सावन भादो के बाद कुंवार माह में दो दिनों से हो रही बारिश ने गरियाबंद जिले में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दो दिनों से जारी रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हुई बारिश से रायपुर देवभोग नेशनल हाईवे मार्ग जाम हो गया है, तो वहीं गरियाबंद जिले के कई गाँव टापू में तत्बील हो चुके हैं। वहीं इस दो दिन की झमाझम बारिश से सिकासार बांध लबालब हो गया है। बांध के ऊपर सत्ता गेट खोल दिया गया है, जिसके कारण नदी का बहाव और भी तेज हो चुका है। 34 घंटे के जारी बारिश से जिले के कच्चे मकानों को भी काफी क्षति पहुंचने की जानकारी मिल रही है। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश कुमार जिरसागर व गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के दौरे पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिले के हर बाढ़ क्षेत्र में पुलिस जवान व जिला कार्यालय के कर्मचारी मुस्तैद हैं। शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे सड़क गरियाबंद से रायपुर मार्ग पर पंटोरा घाट पर सड़क के ऊपर 8 से 10 फीट ऊपर पानी चल रहा था। अत्यधिक वर्षा से क्षेत्र में कितनी क्षति हुई है इसका आंकलन अभी नहीं हुई है। फिलहाल सड़क जाम होने के कारण यात्रियों को रायपुर व देवभोग जाना संभव नहीं है। वही क्षेत्र में बारिश लगातार है, हाईवे कब तक खुलेगा ये बता पाना अभी संभव नहीं है। ये जिला प्रशासन द्वारा किस तरह का बचाव कार्य जारी है? इसमें जो है कल लगातार बारिश होने की वजह से औसतन 120 मिलीमीटर के ऊपर से बारिश हुआ है, तथा हमारे यहाँ जो सिकासार जलाशय है उससे लगभग 20,000 क्यूसेक्स पानी का निष्कासन लगातार हो रहा है। उसी कारण जिले के 30 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसमें बचाव कार्य खासतौर पर रेस्क्यू के कार्य चल रहे हैं। जब तक 5 जगह पे कुछ लोग फंसे थे, कुल मिला के 10 लोग। इसमें 3 जगह से लोगों को भी सेफ बचाया गया है। 2 जगह पे हमारे स्टेट SDRF और जिला प्रशासन की टीम निकाल रही है, तो स्थिति अभी ठीक है। खासतौर पे आप देख रहे होंगे कि जो NH हमारा नेशनल हाईवे है उसमें कुछ जगह पे 4 से 5 फीट से ज़्यादा पानी है, तो यातायात अवरुद्ध हो गई है। उस हिसाब से भी पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, जो सैलानी यात्री की रुके हैं उनकी भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। जो खास तौर पे जिले में गरियाबंद विकास खंड में और गरियाबंद शहर में बाढ़ का ज़्यादा प्रभाव दिखने को मिला है। गरियाबंद शहर में कुछ जगह पे मकान क्षति भी हुई है, खासतौर पर वार्ड 10-11 में स्थिति थोड़ी गंभीर बनी है। उनके लिए जगह भी हमने चिन्हांकित की है, वहाँ पे खाने पीने की रहने की सब व्यवस्था की गई है। फसल की क्षति तथा जो मकान क्षति हुई है उनके पूरा मुआयना किया जा रहा है, उनका जो रिपोर्ट है शासन को भी भेजा जाएगा। RBC 6-4 के अंतर्गत जो भी मुआवजा इनका बनता है तत्काल इनको प्रदाय किए जाए। सर, राजधानी से भी कोई रेस्क्यू टीम की मदद लेने की खबर आ रही है? इसमें राज्य शासन से और राजधानी का जो स्टेट SDRF है उनसे भी एक टीम सुबह से ही यहाँ पे आई थी, क्योंकि कुछ जगह पे बहुत अंदरूनी क्षेत्र में लोग फंसे थे। जो SDRF की टीम है वो अभी मैनपुर 2 में रेस्क्यू का काम चल रहे है। काफ़ी थोड़ा डिफिकल्टी रेस्क्यू वर्क वहाँ का है और वो लोग कर रहे हैं।